हेलो गाइस, मैं हूं कृषि राठौड़। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लेके आए हमारी स्पेशल हुंडई वर्ना 1.6 लीटर वाली, 2015 की रजिस्ट्रेशन है इसकी। आज हम आपको इसकी ओवरऑल कंडीशन और सब कुछ बताएंगे। हम अब आपको दिखाएंगे इसका बाहर से कंडीशन कैसी है। चलिए, 2015 का ये टॉप मॉडल है, इसलिए इसमें प्रोजेक्टर लैंप और फॉग लाइट भी दी है। ये क्रोम की फिनिशिंग है, यहाँ पे हुंडई का लोगो। इसके प्रोजेक्टर बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसकी साइड की बात करें तो इसमें ये टॉप मॉडल है, इसके लिए इसमें एलॉय दिए जाते हैं। देख लीजिए ये एलॉय, इसके टायर साइज़ की बात करें तो ये R17 इंच का आता है। अब इसकी साइड प्रोफाइल देखिए गाइस, इस पे साइड लाइट ORVM पे आ देते हैं ये लोग, टॉप मॉडल है इसलिए। इस ERD इंजन आता है, उसकी बैजिंग है और सब जगह इसकी क्रोम की फिनिशिंग है। और ये कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन देते हैं क्योंकि ये टॉप मॉडल है। और इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं देते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक लिमिटेड एडिशन का मॉडल था, उस पे देते हैं शार्क फिन एंटीना। चलिए अब हम आपको इसके पीछे के बैक साइड जाते हैं। ये देखिए, इधर 1.6 की बैजिंग देते हैं, हुंडई का लोगो है। इसमें नीचे रिफ्लेक्टर भी दिए जाते हैं और बैक रियर कैमरे भी है। फिर हम आपको इसका बूट स्पेस दिखाते हैं कि वरना में सीडान गाड़ियों में कितना बड़ा बूट स्पेस आता है। देखिए गाइस, इसकी स्पेस बहुत ही मस्त है। देखिए कितना बड़ा बूट स्पेस है। एक बार फिर से देख लीजिए इसका लेफ्ट साइड व्यू। ये 100 कार है और इसकी कंडीशन देखिए कितनी परफेक्ट है, 2015 मॉडल होने के बावजूद भी। चलो चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इसमें कीलेस एंट्री आती है, देखना अभी। ये देखिए, इसके गेट की बात की जाए तो इसके गेट में यहाँ पे मैट क्रोम दिया जाता है जो बहुत ही मस्त लगता है। और इसमें ये वुडन दे रखा है यहाँ का, और यहाँ पे पकड़ने के लिए होल्डर दे रखा है। इसमें ऑटो फोल्ड वाले साइड मिरर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है अपने ये लॉक करना हो। और ऑटो विंडो, चारों ऑटो विंडो है पर ऑटोमेटिक वाली सिर्फ फर्स्ट वाली है। चलिए गाइस, हम आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। सबसे मेन चीज़ इंटीरियर में कि इसमें ये स्टार्ट स्टॉप बटन देते हैं, वो बहुत ही टॉप, बहुत ही मस्त लगता है, टॉप मॉडल है इसके लिए। और ये इसका स्टेयरिंग व्हील ऐसा आता है, और अभी हुंडई ने ये स्टेयरिंग व्हील चेंज करके डी कट वाला दे दिया है। इसके स्टेयरिंग पे आवाज़ तेज कम करने का, म्यूट करने का, चेंज करने का, और अपने यहाँ पे फ़ोन की कंट्रोल दे रखे हैं। इसकी MID ऐसी कुछ है, ये देखिए। इसमें आप ट्रिप अपनी A B लगा सकते हैं। और ये डीजल गाड़ी है इसलिए इसका RPM 6 तक ही है, अपना पेट्रोल होता तो 8 तक हो जाता। और इसमें 220 की स्पीड दी है, ये नाइट में बहुत ही मस्त लगता है। और इसकी ये साउंड सिस्टम है, देख लीजिए। इसमें 6 गियर आते हैं, और हाँ गाइस, ये 77,000 किलोमीटर चल चुकी है, ये 2015 की है और अभी भी इसकी कंडीशन बहुत ही बेहतरीन। और इसका डैशबोर्ड देखिए, ये यहाँ ये ग्लव बॉक्स है। अब हम गाइस आपको इसका केबिन में इंजन की आवाज़ कितनी आती है वो दिखाते हैं। पहले आप, AC चालू है पर वो 2 फैन स्पीड उसकी 2 ही है, तो इतनी आवाज़ AC की आ नहीं रही है। हम आपको इंजन की नॉइज दिखाते हैं केबिन में कितना आता है। देखिए कितनी कम आवाज़ है। ये स्टेयरिंग एडजस्टेबल है, ये यहाँ नीचे आता है इसका स्टेयरिंग का एडजस्ट करने का। ये नीचे करके अपने इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं होता, ये ऊपर नीचे ही होता है सिर्फ। चलिए गाइज, अब हम आपको दिखाते हैं इसका इंजन। और ये इसका इंजन चालू है, देखना कितनी कम आवाज़ आती है।
ये देखिए, ये हुंडई का CRD इंजन आता है, डीजल इंजन। देखिए कितनी कम आवाज़ है इसकी, क्योंकि इसमें आइसोलेशन लगी हुई है तो भी बहुत ही ज़्यादा कम आवाज़ है इतनी पावरफुल गाड़ी होने के बावजूद। ये इसकी बैटरी आती है, ये इसका विंडशील्ड का वॉशर आता है, इंजन ऑयल यहाँ पर अपने चेक कर सकते हैं, और ये अपना AC कूलेंट। चलिए गाइस हम इसके पीछे बैक साइड चलते हैं, देखते हैं इसमें कितना स्पेस है। पहले इसकी गेट की बात करें तो इसमें भी ये देते हैं क्रोम मैट क्रोम, यहाँ पे ऑटो विंडो, यहाँ पे ये वुडन का, और आप 1 लीटर की बोतल यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ये बहुत मेन चीज़ है। चलिए गाइस अंदर चलते हैं। आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, आप देख लीजिए इसमें कितना स्पेस मिलता है, अच्छा खासा स्पेस है, और नीचे थाई सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर देख लीजिए। और ये वरना 2015 की है तो भी इसमें एक बहुत ही बॉस फीचर नाम से दिया गया हुआ है, ये देखना। अभी आप ऐसे नीचे करके इसके आगे पीछे कर सकते हो, ये देखिए आगे वाली सीट को, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में देते हैं जो 2015 की वरना में दिया है, ये बहुत ही बेस्ट यानी बॉस फीचर है। ये देख लीजिए सीट बेल्ट यहाँ पर दिए है, इसमें कोई भी हेड रेस्ट नहीं आता बैक साइड, और ये अपना होल्डिंग के लिए है। आपको अब दिखाते हैं इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ये कितनी रिलायबल गाड़ी है, कंफर्टेबल गाड़ी है खड्डों में। अभी चलते हैं, ये देखिए आगे यहाँ पे आपको खड्डे में दिखा देता हूँ, देख लीजिए अभी वहाँ से देखना कितने स्मूथली निकल। चलिए गाइस ये देखिए ये खड्डों में कितनी स्मूथ चल रही है, ये देख लीजिए आगे और खड्डे आने वाले हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, सीडान में सबसे बेस्ट गाड़ी है ये, ये देख लीजिए। और जब आप 100-120 की हाईवे पे स्पीड चलेंगे तब ये, इसमें कोई बॉडी रोल है ही नहीं क्योंकि ये सीडान गाड़ी है। ये देख लीजिए इतना बड़ा खड्डा था उसमें भी इसको कुछ नहीं हुआ, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है ये। और इसका जो स्टेयरिंग है वो भी बहुत ही लाइट है उस टाइम के मुकाबले। और हम आपको इसका पिकअप दिखाते हैं, पिकअप भी बहुत ही तेज है इस गाड़ी का, और ये एवरेज ही इतनी बढ़िया ही देती है। और हाँ गाइस ये 22 की एवरेज देती है हाईवे पे, 22-23 की दे जाती है, सिटी में ये 19-20 की देती है, बहुत ही मस्त है ये गाड़ी। हाँ तो दोस्तों ये था एक्सपीरियंस हुंडई वरना का, 2015 मॉडल है ये। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।